आज सामान्य काल वर्ष बा का 23वां रविवार है। आज के पहले पाठ में नबी ईसाए उन लोगों से कहते हैं जो भयभीत हैं कि उनका ईश्वर अपनी प्रजा को बचाने आ रहा है। नबी ईसाए ईश्वर के महान नबियों में से एक थे। उन्होंने अपनी कर्मठता दिखाई और वहाँ के राजा और लोगों के बुरे कर्मों की कठोर शब्दों में निंदा की, लेकिन ईश्वर की प्रजा के लिए भी उनके पास उत्साहपूर्वक व सांत्वनापूर्ण शब्द थे। उन बुरे लोगों के बीच में बहुत से अच्छे लोग भी थे। उन्हें भी संदेह हो रहा था कि ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा अब्राहम और उनकी संतानों से की थी वह इतनी शताब्दी में भुला दी गई थी। आज के सुसमाचार में हम यह देखते हैं कि यीशु एक गूंगे एवं बहरे व्यक्ति को चंगा करते हैं। उस व्यक्ति ने पहली बार अपने जीवन में जीवन के अंश व जीवन के महत्व का अनुभव किया। यीशु ने उस बहरे व गूंगे व्यक्ति को क्यों चंगा किया? उन्होंने उसके कान में अपनी उंगलियां डालकर उसकी श्रवण शक्ति को क्यों लौटाया? उन्होंने उसकी वाक शक्ति को क्यों लौटाया? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है जो आज के प्रथम पाठ में हमें मिलता है। नबी ईसाए कहते हैं कि जब मसीह आएंगे तो ये चिन्ह प्रकट होंगे। बहरे सुनने लगेंगे और जो बोल नहीं सकते हैं वे खुशी से चिल्लाने लगेंगे। गूंगे व बहरे व्यक्ति की चंगाई हमें यीशु के कुछ खास व्यक्तित्व व गुण को दर्शाती है। यीशु दयालु व्यक्ति हैं। हम यह देखते हैं कि यीशु विशेष तरीके से उसको चंगा करते हैं। यीशु सबसे पहले उसे भीड़ से दूर ले जाते हैं और उसके कानों में अपनी उंगलियां डालकर और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाकर उसे चंगा करते हैं। ऐसा करने से हम यह अनुभव करते हैं कि यीशु उसे सच्चा प्यार एवं सहानुभूति दिखाते हैं तथा ऐसी परिस्थिति में उसे प्राथमिकता देते हैं। बहरे व गूंगे की चंगाई यह दर्शाती है कि यीशु ही मसीह हैं। यहाँ यीशु के मानवीय गुण भी स्पष्ट झलकते हैं कि वे कितने दयालु और संवेदनशील व्यक्ति हैं। ये हर क्रिस्तीय विश्वासी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था कि इस दुनिया में हजारों गरीब रहते हैं, परंतु जब हम एक गरीब की सेवा करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम सिर्फ उस व्यक्ति की ही सेवा कर रहे हैं। बहरे व गूंगे व्यक्ति की चंगाई आज बहुत से लोगों के जीवन में आशा का स्रोत बन गई है। हमारी दशा उस बहरे व गूंगे व्यक्ति की भांति नहीं है। हम शारीरिक रूप से बहरे और गूंगे तो नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि हम एक चित होकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, ना तो हम ईश्वर से बात कर सकते हैं और ना ही हम ईश्वर की वाणी सुन सकते हैं। हम आध्यात्मिक रूप से गूंगे व बहरे हैं। दूसरे पाठ में संत याकूब अपने विश्वासी भाइयों को एक उदाहरण देकर बताते हैं कि लोग साधारणतः सभा में सोने की अंगूठी व साफ वस्त्र पहने व्यक्ति का विशेष ध्यान देकर आदर पूर्वक उनका सम्मान करते हैं तथा उन्हें अच्छे आसन पर विराजने को कहते हैं, और वहीं दूसरी ओर फटे पुराने गंदे कपड़े पहने कंगाल को तुच्छ समझकर नीचे बैठने को कहते हैं। इस प्रकार हम अपने आध्यात्मिक गूंगेपन एवं बहरेपन को दर्शाते हैं। लोग हमें ईश्वर की संतान की गरिमा को न देखकर, न समझकर, मन में भेदभाव और गलत विचार के अनुसार निर्णय लेने लगते हैं। इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर हमें आज के सुसमाचार में मिलता है। हम वो कर सकते हैं जो बहरे व गूंगे व्यक्ति ने किया। भीड़ से कहीं दूर हम यीशु के पास जा सकते हैं और उनके प्रेम व शांतिपूर्ण सानिध्य में कुछ समय बिता सकते हैं और आध्यात्मिक चंगाई प्राप्त कर सकते हैं।
समाज में हम कितनी बार अन्याय देखते हैं, कितनी बार हमारी आंखों के सामने लोगों की बेइज्जती होती है, कितने गरीब हमारे ही सामने सताए जाते हैं, कितने लोग हमारे समर्थन की आशा रखते हैं। इस सबों के सामने जो हमारी मदद और सहयोग की कामना करते हैं, हम गूंगे बहरे बन जाते हैं। आज का सुसमाचार हमें यह चुनौती दे रहा है कि हम यीशु को अपने आध्यात्मिक जीवन को छूने का अवसर प्रदान करें, जिससे कि वे हमारे जीवा के बंधन खोल दें और अपनी उंगलियां डालकर हमारे कानों के पर्दे खोल दें, जिससे हम मुक्त कंठ ईश्वर की प्रशंसा कर सकें और उनकी वाणी को हर घड़ी सुन सकें। आज का सुसमाचार हमें कुछ करने के लिए निमंत्रण देता है। यह हमें निमंत्रण देता है कि हम कुछ समय के लिए अलग रहें, जिससे यीशु हमारे लिए भी कुछ कर सकें, जैसे उन्होंने गूंगे व बहरे व्यक्ति के लिए किया। यह हमें निमंत्रण देता है कि यीशु हमारे आध्यात्मिक गूंगेपन एवं बहरेपन को चंगा करें। गूंगे एवं बहरे व्यक्ति की घटना तीन बातें प्रस्तुत करती है। पहली बात यह है कि यीशु इज़राइल के मसीह हैं, जिसकी उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। यीशु वही करते हैं जिनकी नबी ईसाया ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले मसीह अपने लोगों के लिए क्या करेंगे। दूसरी बात यह है कि यीशु एक दयालु व्यक्ति हैं। यीशु बहरे गूंगे व्यक्ति को चंगा करने हेतु उसे भीड़ से दूर ले जाते हैं। इस चंगाई को एक सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं बनाना चाहते हैं। यीशु उससे अकेले एवं व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। अंतिम बात यह है कि आज का सुसमाचार हमारे गूंगेपन व बहरेपन की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। यीशु के पास जाना और उनसे अकेले में मिलना ही इसका एकमात्र समाधान है। हम प्रतिदिन प्रार्थना के लिए कुछ समय अलग कर यीशु को हमें छूने, चंगा करने और पूर्ण रूप से स्वस्थ करने का एक अवसर प्रदान करें और हम देखें कि यीशु हमारे लिए क्या नहीं करेंगे। वे तो केवल अवसर की ताक में हैं। हमारा ईश्वर सदैव हमारी प्रतीक्षा करता है कि हम उसकी ओर देखें और उसको पुकारें। आमीन।